तो दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर आज एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और यह खबर सुनकर आपके चेहरे पर तो मुस्कान आएगी ही आएगी, साथ में भारत से जो जलने वाले देश हैं या फिर कोई व्यक्ति है उनको बहुत बुरा अवश्य लगेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि टेस्ला वाले जो एलन मस्क चचा हैं उनसे भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी टेस्ला कंपनी को भारत के अंदर ले आइए और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपनी जो सारी कार्स हैं उनको भारत के अंदर बनाइए। परंतु एलन मस्क चचा को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद नहीं आया क्योंकि ये चीन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इनका ऐसा प्लान है कि चीन के अंदर बनाई हुई कारें भारत के अंदर बेची जाएं, जिस पर भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। और आज खबर निकल के सामने आई है कि भारत का मित्र सिंगापुर भारत की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे आ चुका है और स्क्रीन के ऊपर आप सभी की स्क्रीन शॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि अब भारत और सिंगापुर मिलकर हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा समझौता करने जा रहे हैं और इस बैठक के अंदर भारत और सिंगापुर के मंत्री भाग लेंगे और इसमें सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री जिनका नाम लॉरेंस बोंग है वो भी शामिल होने वाले हैं और उन्होंने ऐसी जानकारी दी है कि भारत के साथ मिलकर हम हाइड्रोजन के प्लांट और इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर विशेष ध्यान देने वाले हैं और इससे होगा क्या कि भारत के अंदर हाइड्रोजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सिंगापुर से आ जाएगी, जिससे भारत हाइड्रोजन से चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही बना पाएगा। दरअसल पानी से हाइड्रोजन बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है और इस तकनीक को बनाने में भारत का मित्र सिंगापुर भारत की सहायता करेगा, जिससे भारत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन को हर साल उत्पादित कर पाएगा। फिलहाल में मित्र सिंगापुर ने भारत की मदद के लिए जो कदम उठाया है उस पर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।